अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दानिश भाई क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। साहब कह रहे हैं दानिश भाई, माशाल्लाह आपके कलाम पढ़ने का अंदाज आज क्या कहने, तो बहुत मज़ा आया, बहुत सुरीला कलाम पढ़ते हैं आप। तो ये मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह ये कब से आपने ये जो है ना बेड़ा उठाया है? सर ये बचपन से ही, जब 6 साल का था तो नात खानी उस वक़्त ही स्टार्ट कर दी थी, तो सरकार का जिक्र बड़े मैं जज्बे से करता हूँ, मेरा एक मुनफरद सा अंदाज़ है, तो अच्छा लगता है। आज महफिल सजाई गई है मनो सलवा डेरे के ऊपर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सबको हम सरकार का जिक्र सुनाएंगे, आपको भी सुनाएंगे, तो बस जज्बे से पढ़ते हैं। पसंद आने वालों को अगर पसंद आ रहा है तो अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और ऑडियंस जो है ना, क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे ना, अभी आप कलाम पढ़ रहे थे, तो इस तरह वजद तारी हुआ हुआ था, सब बहुत संजीदगी से और बीच में डूब के जो है ना वो सुन रहे थे कि जैसे हम उसी महफिल में बैठे हुए हैं। जज़ाकअल्लाह। तो सरकार का जिक्र हो और वो जज्बे से ना हो और डूब के ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, दिल से जज्बे से होना चाहिए, हर मोमन की पहचान है। जी जी, तो अब आप क्या सुना रहे हैं? जी, जितने मदनी दा डेरा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो जितने भी मेहमान बैठे हैं डेरे पे, जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की जात आप सबको भी उस डेरे पे लेके जाए जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ। आप सब ने ये नात सुनी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप सब मिलके मेरे साथ ये पढ़ेंगे। असा जाना मदीने नू, असा जाना मदीने नू, ते मिलनार भी नगीने नू, असा जाना मदीने नू, ते मिलनार भी नगीने नू, होया शोक बथेराए निजिंदड़िए चल चलिए, थे कोई ना तेराए निजिंदड़िए चल चलिए, जिथे मदनी दा डेराए निजिंदड़िए चल चलिए। सारे टुर गए मदीने नू, सारे टुर गए मदीने नू, किसे ने मैनू पूछया ही नहीं, सारे टुर गए आई नहीं, पाया तरला बथेराए निजिंदड़िए चल चलिए, जिथे मदनी दा डेराए निजिंदड़िए चल चलिए, ओते हसन हुसैन अली, ओते हसन हुसैन अली, ते फातिमा नूर नजर, ओते हसन हुसैन अली, ते फातिमा नूर नजर, ओते पंज तन दा वेड़ाए निजिंदड़िए चल चलिए, जिथे मदनी दा डेराए निजिंदड़िए चल चलिए। जिस जिसने जाना हाथ उठा के गए, जिथे मदनी दा डेराए निजिंदड़िए चल चलिए, सोना दर्द वंडावे गा, सोना दर्द वंडावे गा, सानू गल नाल लावे गा, सोना दर्द वंडा
लावेगा सानू गल नल लावेगा पावे सफर लंबे राए निजिंदड़ी चल चलिए जिथे मदनी दा डेरा है निजिंदड़ी चल चलिए जज़ाकअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो हम मशहूर हैं समीना ख़ान साहबा का कि जिन्होंने एक ख़ूबसूरत महफ़िल सजाई है मिलाद की सूरत में। तो ये तो ऐसी महफ़िलें हैं कि जहाँ आके वैसे ही बंदा सुकून फील करता है, रिलैक्स फील करता है। तो ये तो बाबरकतें महफ़िलें हैं, तो यहाँ तो आना बहुत खूब लगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने बहुत एक अच्छा इकदाम किया है स्टूडियो में। तो ऐसी महफ़िलें होनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी कही आपने। तो दूसरा ये है कि ये मौका भी ऐसा ही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफ़िल सजाई गई है, तो इस तरह के अहतमाम होने चाहिए और लोगों में शौक पैदा होता है देख के भी। और वैसे भी ये पंडाल जो सजाया गया है, ये जो तेरा सजाया गया है गरीब गुरबा के लिए, तो बड़ी खुशाइन बात है। बहुत कम लोग होते हैं दिल में दर्द रखने हुए, लेकिन समीना जी ने ये जो डेरा सजाया है माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको और हिम्मत दे और तौफीक दे। तो हम क्यों ना समीना जी से पूछते हैं, आया आपको ये ख्याल कैसे आया? जी समीना जी, आप माशाल्लाह बड़ी खुश नज़र आ रही हैं और इस महफिल को देखते हुए हमें ये महसूस हुआ, लेकिन हमारे दिल में ख्याल आया कि आप ये डेरा किस तरह मैनेज कर रही हैं, किस तरह चला रही हैं इसको? जी ये अल्लाह पाक की रहमत है। और देखें ये डेरा जो है, डेरा ये जो बारी स्टूडियो वाले हैं, बारी प्रोडक्शन है खुरम बारी साहब, उन्होंने मुझे ये जगह दी है, ठीक है। उनका तावन भी मेरे साथ बहुत है और मैंने ये आइडिया है कि मैं अपना ये डेरा रन करूं, डेरा लूं। उन्होंने मुझे डेरा दिया कि भाई आप चलाएं अपना डेरा, ठीक है। लेकिन उनका हमारे साथ बहुत तावन है, वो गाय बगाए हमें करते रहते हैं। तो फिर मैंने इसलिए गरीबों और मस्कीनों के लिए मैंने सोचा मैं जितनी मेरी हैसियत है मैं करूँ उसके लिए, गरीबों के लिए जो मैं कर सकती हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से एक वादा लिया कि मैं अल्लाह मुझे नवाजे और मैं बांटूँ। और सबका शुक्रिया, थैंक यू। बस यही मैं चाहती हूँ। और नबी पाक की महफिल है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मुख्तियार शाह और साढ़े बाबा जी ने समीना खान ने ओनर ने सलवा पराए सलवा चाय पराठा दे ते तो दोस्तों नू दसना चाहते हैं कि अज की जी महफिल है नबी पाक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ना रखी है, तो इस वजह तो कोई होर गल करनी मुनासिब नहीं दी। तो इस वजह तो यह बाबा जी की मुहब्बत है और टी वी का शुक्रिया अदा करने हैं, बुलंदी टी वी का शुक्रिया अदा करने हैं, जिन्होंने साबर साहब एंकर जेडे सुल्तान साहब इन्हों का शुक्रिया अदा करने कि इन्होंने सानू इन्ना वक्त दिता और इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यह साढ़े वास्ते स्पैशल आए हैं, असी इस टी वी का बहुत शुक्रगुजार हाँ और इन्हों वेलकम शुक्रिया इन्हों का अदा कर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आमना दे कर सरकार की आमद, आमना दे कर, आमना दे कर आमन वाला किड़ा सोना है, सुखियां खजूरां, सुखियां खजूरां, सड़ियां खजूरां उगावन वाला किन्ना सोना है। आमन दे कर आमन वाला। माई दा पार उठा के गठरी, सरकार उठा के मंजिल तक पहुँचाया।
ते माई हजूर दी शान च की तारीफ कर रहे हैं। मंजल उत्ते पहुंच के माई गठड़ी वाली कहंदी सी, मंजल उत्ते पहुंच के माई गठड़ी वाली कहंदी सी, मेरा पार सब मिलके मेरा पार, मेरा पार उठावण वाला किन्ना सोना है, आम न दे कर आवन वाला। मौला अली सरकार दी नमाज कज़ा हो गई ते आ मौला या अली या रसूल अल्लाह। मौला अली सरकार परेशान बैठे ने ते आप सरकार ने कदी कज़ा नमाज अदा की थी नहीं ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सरकार ने पूछा कि अली क्यों परेशान है, आप सरकार ने पता तो है सी सारा कुछ, लेकिन आप सरकार ने फरमाया कि यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज असर दी कज़ा हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सरकार ने कहा अली परेशान, सूरज नू इशारा किया सूरज पिछे मुड़ा है, नमाज अदा की थी। मौला अली हजूर दी शान की तारीफ कर रहे ने। मौला अली ने मुड़दा सूरज वेख के ते फरमाया, मौला अली ने मुड़दा सूरज वेख के फरमाया, मौला अली ने चढ़दा सूरज वेख के ते फरमाया, सूरज मोड़ सूरज मोड़ ले आवन वाला किड़ा सोना है, आम न दे कर आवन वाला अली नु असर, अली नु असर, अली नु असर पढ़ावन वाला किड़ा सोना है, आम न दे कर आवन वाला। अब मैं बात करूंगा अमजद साहब से कि आप आए हैं तो कौन सा कलाम लेके आए हैं या क्या आप हमें सुनाना चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो जी अमजद साहब बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने यहाँ मुझे बुलाया और मैं आया हूँ। तो नबी पाक की शान में हम आपको एक उनका नात सुनाएंगे जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारा रबी अव्वल हजूर मक्के आया है, बारा रबी अव्वल हजूर मक्के आया है, प्यारा अब्दुल्ला दा प्यारा अब्दुल्ला दा प्यारा अब्दुल्ला बीबी आमना दा जाया है, बारा रबी अव्वल हजूर मक्के आया है, वेरियां ले भी सदा मंगदा खैरा सी, वेरियां ले भी सदा मंगदा खैरा सी, नाले अरशादियां करदा सैला सी, नाले अरशादियां करदा सैला सी, जिनू अरशाते जिनू अरशाते जिनू अरशाते रब आप बुलाया है, बारा रबी अव्वल हजूर मक्के आया है। हो ऐसी चर्चे जिसने जगते आम सी,
हो ऐसी चर्चे जिस दे जग उते आम सी नूरी ते बशर सारे ए दे गुलाम सी नूरी ते बशर सारे ए दे गुलाम सी रब जिनू सब दा रब जिनू सब दा रब जिनू सब दा सरदार बनाया है बारह रबी अव्वल हजूर मक्के आया मुश्किलां दा वेला जदों मेरे उते आया सी मुश्किलां दा वेला जदों मेरे उते आया सी सोने आका के मैनू सीने नाल लाया सी सोने आका के मैनू सीने नाल लाया सी जेंदी कमली दा जेंदी कमली दा जेंदी कमली दा असरार उते साया है बारह रबी अव्वल हजूर मक्के आया सल्लल्लाहु अलैका या समिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह इश्क अली है प्यार अली है इश्क अली है प्यार अली है दिल है अली दिलदार अली है इश्क अली है प्यार अली है दिल है अली दिलदार अली किसके निकाह में दू ये जहरा 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 रब ने कहा हक दार अली है रब ने कहा हक दार अली है दिल है अली दिलदार अली है इश्क अली है प्यार अली है अमानतों की रात थी और आप सबको मालूम है कि अमानतें जब रखी गई तो किस तरह वापस भी की जाए उसके ऊपर शेर है अहमद है एतबार खुदा का 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 अहमद का एतबार अली है दिल है अली दिलदार अली है और बादल के जो टुकड़े कर दे बादल के जो कर दे हाकिम वो तलवार अली है दिल है अली दिलदार अली है इश्क अली है प्यार अली है मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता
मिजाज मिलता है कुले इमा का इमा से मिजाज मिलता है मेरे अली का कुरा से मिजाज मिलता है जो करबला में थी गूंजी उसी अजा की कसम जो करबला में थी गूंजी उसी अजा की कसम मेरे अली का अजा से मिजाज मिलता है मेरे अली का कुरा से मिजाज मिलता है जो सब्र ज़हरा को देखा तो ये यकीन आया जो सब्र ज़हरा को देखा तो ये यकीन आया हसन हुसैन का माँ से मिजाज मिलता है मेरे अली का कुरा से मिजाज मिलता है। एक नात के दो शेर हैं उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा उसके बाद फिर नेक्स्ट नात हमको हम इजाज़त देंगे कुछ कहना चाह रहे थे नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी इतरा नाम वसीला है मेरा इतरा नाम वसीला है मेरा रंजो गम में किसी नाम से राहत होगी। और ये शेर जो है आप हाथ उठा सकते हैं इस शेर के ऊपर सारे हाथ उठा के कहें जो भी मुस्तफा के मानने वाले हैं ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी कब्र का खौफ न रखना है दिल कब्र का खौफ न रखना यारो वहां सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी और हश्र का दिल भी अजब दे लहराए वो जब आएंगे जुल्फ लहराए वो जब आएंगे फिर कयामत में भी और कयामत होगी नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी।
शाह जी, मुझे शम्मत साहब के बारे में कोई बताइएगा। आप तो बहुत कुछ इनके बारे में जानते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, ऑडियंस जानना चाहती है कि आप इनके बारे में कुछ बताइएगा कि आप क्या जानते हैं इनके बारे में। शम्मत एक ऐसा खूबसूरत जवान है कि जो आर्टिस्ट थे ना, जो पहले थे राई साहब, जितने भी शान मोमी शोमी सब निकल गए, शम्मत की वजह से ये पूरी इंडस्ट्री में रौनक है। शम्मत एक ऐसा बनता है कि जैसे यहाँ से वो एक नाम इकबाल साहब का शेर है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, ये दीदावर है, हीरा है। डायरेक्टर एसोसिएशन के अल्ताफ साहब, सूदी साहब, जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, उन सब से मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, और पाकिस्तान टीवी के सैयद फैसल बुखारी साहब, सैयद नूर साहब हैं, उन सब से ये कहेंगे कि इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत और चॉकलेट हीरो हमारे में है, और इस इंडस्ट्री की रौनकें बहाला हो सकती हैं कि जैसे ये इंडस्ट्री बैठ गई है। ऐसे बंदे को इतना बुलाइज करें कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक इस बंदे के सदके, जैसे सुल्तान राही था, दर्पण था, संतोष था, वहीद मुराद साहब थे, उनके सिलसिले में कईयों के चूल्हे जलते थे। और मेरी कैंडली रिक्वेस्ट है एक सदाद होने के नाते कि मैं इन सबसे कहूँगा कि कैंडली आज बीबी समीना के डेरे पे मैं फिर मिलाद भी है, और समीना जी एक बहुत अच्छी बच्ची हैं जो बारी मलक साहब के तावन से यहाँ पे ये ढाबा चला रही हैं चाय का, और मलका पीरजादा भी आई हैं और आर्टिस्ट भी आ रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस मिलाद के सदक़े में समीना जी का भी ये डेरा और शम्मत जी का भी आना, और नबी के सदक़े में उनके नालायन के सदक़े में ये शम्मत जी को भी अल्लाह ताला इतना कर दे कि ये जो हमारे दोस्त भाई जो घरों में बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन जिनके चूल्हे नहीं जल रहे, राई साहब चले गए हैं, शम्मत एक ऐसा बेलौस आदमी है, इसके लिए हम काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम डायरेक्टर राइटर के शम्मत साहब के साथ तआवुन करें और इनको मैदान में लेके आएँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदके, इस पाक महफिल के सदके, शम्मत साहब से आपको वहीद मुराद नज़र आएगा, दर्पण भी नज़र आएगा, संतोष भी नज़र आएगा। ये बेलौस आदमी है, गरीबों के साथ चलता है, और शम्मत साहब और मौलाए कायनात के सदके आप इस बीबी के ढापे पे आए हैं, और अपनी ज़िंदगी के बारे में और जो हमने बातें कही हैं क्या के इनके बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएँ साहब साहब को। जी सर, असल में शाह साहब ने कुछ मेरे बारे में ज़्यादा कह दी है, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। वहीद मुराद साहब बहुत बड़े एक्टर थे, राई साहब बहुत बड़े, हम तो राई साहब को कॉपी करते हैं, हम तो उनकी चीज़ें देखते हैं, उनको राई साहब, उनके तो हर चीज़ एक मिसाल है राई साहब की, तो राई साहब का तो हम एक एक चीज़ को देख के तो उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं चलने की, हम वैसे चल तो नहीं सकते लेकिन कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक ये इंडस्ट्री का मामला है, शाह साहब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको चलाया जाए, मेरी तो मैक्सिमम कोशिश है, लेकिन हर काम जब तक अल्लाह की मंजूरी नहीं होती उस वक्त तक आगे नहीं चल सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे उम्मीद हैं, और इस वक्त जो माहौल बन रहा है, 8-10 फिल्में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इस वक्त मेरे टाइटल पर हैं वो शुरू हैं, हमारी मेरी तकरीबन 15 फिल्में तो रिलीज़ हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो ऑन सेट हैं, इस वक्त 10-12 फिल्में ऑन सेट हैं जिसकी शूटिंग से हो रही हैं। आपका टाइटल रोल है? जी, मैं टाइटल कर रहा हूँ उसमें, और मैं हर फिल्म में अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल ही करता हूँ, और अब तक जितनी मेरी रिलीज़ हुई उसमें सब में मेरा टाइटल ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश हैं और पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह यहाँ पर रौनकें लगेंगी। और जहाँ तक ये डेरे का ताल्लुक है, ये समीना जी ने खुर्रम बारी साहब के स्पेशल तावन से एक ये यहाँ के जो हमारे, क्योंकि काम आजकल फिल्म का थोड़ा सा आजकल डाउन है काम, जी उस वजह से हमारे जो टेक्नीशियंस हजरात हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया खुर्रम बारी साहब ने, यहाँ के जो स्टूडियो को उन्हें उनको क्या ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली है, और उनके तावन से समीना जी ने उनसे उनके साथ बहुत तावन कर रही हैं, और ये टेक्नीशियन के लिए एक बड़ा सस्ता एक खाने का उन्होंने ये ढाबा तैयार किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बाज़ारी खाना नहीं, ये बड़े शौक से घर से खाना तैयार करती हैं, ये मुझे इस बात का बड़ी खुशी होती है कि ये बड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा खाना यहाँ के जो टेक्नीशियंस के लिए, वो अल्लाह ने इनके दिल में बात डाली है कि ये जो बेचारे गरीब हैं, थोड़े
उनके लिए अल्लाह ने इनको वसीला बना के भेजा है। तो हमारी दुआ है कि ये इनका डेरा जो इनकी नियत है अल्लाह ताला उसमें और बरकत डाले, और इनका जो ये जो इन्होंने कारोबार काम शुरू किया है अल्लाह इसमें और बरकत डाले, और जो इनकी नियत है इसमें एक की बजाय अल्लाह इनको तौफीक दे कि ये दो ढाबे, तीन ढाबे, चार ढाबे ऐसे बनाए। तो हम इनके मशहूर हैं, ये बहुत इनका अच्छा किताब है, और खसूसी मैं शाह साहब का बहुत मशहूर हूँ कि मैं इतना नहीं हूँ जितना ने बहुत मुझे इतना कह दिया है। ये इनका बड़ापन है, ये इनका प्यार है, मैं इनका मशहूर हूँ, और आपके जो चैनल का मैं बहुत मशहूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया। तेरी चौखट से बनी देखी है, बात बिगड़ी बात बिगड़ी, तेरी चौखट से बनी देखी है, जोली मगतों की सीधर से बनी देखी है, और मेरी आंखों में जचता नहीं कोई, जब से सरकार मदीना की गली देखी है, मेरी आंखों में मेरी आंखों में नयाज जचता नहीं कोई, जब से सरकार मदीना की गली देखी है, ऐ तन मेरा कंगी होवे, ऐ तन मेरा कंगी होवे, ते मैं जुल्फ महबूब दी बाबा पोश मेरे दी बन जाए ज्योति, ते मैं सोने दे पैरी आवा, ते जे सोना मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नो चुल्ले डावा, मैं सदके सदके जावा, जे सोना मेरे जे सोना मेरे, सब मिलके कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जे सोना मेरे वेड़े आवे, ते मैं सदके सदके जावा, पलका नाल बहारियां देवा, नाले मन दी सेज सजावा, ते खाक मुकादस खाक मुकादस मिल जावे ओदे दी, ते मैं छम छम सीने लावा, ज़माना सोना माही, मैं सदके सदके जावा, समिल के बढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब।
हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो ये पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो सब मिलके पढ़िए सब मिलके पढ़िए बस पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो जमी मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलाम कौन कौन है जरा हाथ खड़ा करके जमी मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो ते मरना मरना हर कोई आंखें उड़ के एक दिन मरना जिस मरने तो सोना राजी है उस मरने तो की डरना ते जिस दिन होवे मेरा मरना सब कुछ करना सब कुछ करना सब कुछ करके मेरा मोरोजे वल करना मोरोजे वल करके मेरा मेरी अखियां बंद ना करना शायद मेरा सोना आवे मैं दीदार हजूर दा करनाए पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो और ये जा तुफैल है इस जान को हजूर का सदका उतार दो ये यार जो नहीं के दुआए हजार दो बस पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी मिल्का सिंह क्या हाल है ठीक हैं आप जी मैं ठीक हूँ आप सुनाएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप भी माशाल्लाह आई हैं इस महफिल में रौनक दुबाला हो गई और ये गुरफा की महफिल है और दूसरा ये है कि ये ढाबा जो है ये डेरा जो है ये सजाया गया है समीना जी ने बहुत अनथक मेहनत के साथ जो है ना ये कदम उठाया है तो इस बारे में आप क्या फरमाएँगे क्या कहना चाहेंगे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा कदम है जो समीना जी ने उठाया है और अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हुई है पहली दफ़ा के बारी स्टूडियो में मैं लोगों से मुख्तलिफ लोगों से बातें करती थी कि यहाँ पे ना वीरानगी है तो अल्लाह का नाम लिया जाए अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाए हो सकता है उस
कलाम की बरकत से ना ये स्टूडियो बहाल हो जाए। तो मैं दाद देती हूँ समीना जी को कि उन्होंने सबसे पहले ये कदम उठाया है और मेरी ये कह लें कि दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है। और इनको देखते हुए जितने स्टूडियो के लोग हैं वो कदम उठाएं, गाहे बगाहे इस किस्म की महफिलें होनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला उस बरकत से ना इधर यहाँ पे बरकतें हो जाएं, बरकतें नाजिल हों और नाजिल हो जाए कि रौनक दुबाला हो और हाँ जी जो क्राइसिस से लोग गुजर रहे हैं वो भी अल्लाह पाक उन पर रहमत करे। अल्लाह के कलाम से अल्लाह को याद करेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ अय्याशी और ये वो करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और हम बहुत पीछे हैं। हमें आगे आने के लिए अल्लाह का कलाम पढ़ना चाहिए और इस किस्म की महफिलें सजानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और ये बात सुन के। अल्लाह ताला इसी तरह बैठने की तौफीक दे और ऐसी महफिलें सजाने की तौफीक दे और सबको मिल बैठने की, बल्कि ये दर्द दिल रखने की तौफीक अता फरमाए और सबको मिल बैठ के ना सबको इत्तफाकी रहिए। जो हजरात हैं जो कुछ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, तो हमारी तो दुआ है कि उनको भी जो है ना लगन होनी चाहिए। और इसी तरह के समीना जी ने यही बात बहुत अच्छी कही कि मुख्तलिफ डेरे बनाने चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए। वैसे कौन किसी को देता है, लेकिन ये दर्द दिल रखना चाहिए। मैं कहती हूँ जिसे अल्लाह तौफीक देता है वही किसी की खिदमत कर सकता है। हर बंदा खिदमत नहीं कर सकता, लाखों करोड़ों रुपए जेब में होते हैं, वो किसी को एक 10 रुपए देते हुए हिचकिचाते हैं। आप देख लें गाड़ी वाले हैं, 10 रुपए कोई मांग ले देते नहीं है, अय्याशी पे वो लाखों रुपए लुटा देते हैं, तो फिर कैसे बरकत पड़ेगी। आपने बहुत अच्छी बात की है, हमारी दुआ है अल्लाह पाक उनको भी तौफीक दे और हिम्मत दे इस तरह दर्द दिल रखने के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि ये महफिलें सजनी चाहिए, नबी पाक की महफिलें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को दर्द रखना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, तौफीक दे और इसी तरह ये महफिलें सजाती रहें और ये डेरा फूले फले और यहाँ रौनकें बहाल हों, ये डेरा भी आबाद हो और पूरे जो स्टूडियो हमारे मतलब वीरान हैं वो भी आबाद हों और आर्टिस्ट भी आबाद हों। जाहिर स्टूडियो आबाद होंगे तो आर्टिस्ट भी आबाद हो जाएंगे, ये जो तंगी परेशानी ये सारी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तब होगी जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद रखेंगे, गरीबों को याद रखेंगे, ना कि पैसों पर इतना घमंड करेंगे, गरीब उनको नज़र ही नहीं आते। वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो जी आपने सुनी मलका जी की बात, समीना जी की बात, ये थी दर्द दिल रखने वाली बातें और ये महफिलें सजनी चाहिए इसी तरह से। अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें हों, जो यहाँ लोग अहबाब मेहमान अहबाब आए हैं उन पर भी अल्लाह की ख़ास रहमत हो। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे नई बात के साथ, नई कहानी के साथ, नए पिंडाल के साथ। देखते रहिएगा बुलंदी टीवी नेटवर्क।